नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्राइड एग के बारे में। फ्राइड एग सुनने में बड़ा ही सिंपल लगता है, पर जब इसकी और भी कई सारी डिशेस आ जाती हैं या ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि फ्राइड एग की कुकिंग में यूज़ होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्लास में बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको फ्राइड एग से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार के से कंफ्यूज ना हो फ्राइड एग को लेके। चलिए जी, फ्राइड एग एक कंप्लीट ही डिश है। फ्राइड एग का इस्तेमाल जनरली हम लोग या फिर स्पेशली हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा फ्राइड एग का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं हमारे बर्गर्स के अंदर, हमारे सैंडविचेस के अंदर, हमारे सैलड्स के अंदर, हमारे एपिटाइजर के अंदर, हमारे मेन कोर्स के अंदर। तो जो फ्राइड एग है वो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हमारी सब डिशेज के अंदर यूज होते हैं, स्पेसिफिकली जो भी रेसिपीज होती है उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फ्राइड एग अगर मैं बनाता हूँ तो हम लोग सिंगल एक अंडे से भी बना सकते हैं, ठीक है जी, या फिर हम लोग चाहें तो हमारे दो अंडे से भी बना सकते हैं। अब फ्राइड एग हमारे दो पार्ट से बन के बन जाता है, एक जो हमारा येलो वाला पार्ट होता है, एक वाइट वाला पार्ट होता है। येलो को हम लोग योग बोल देते हैं और वाइट को हम लोग वाइटी बोलते हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बोलता हूँ फ्राइड एग मुझे बनाना है, तो सिंपल है कि भाई मैं फ्राइड एग बना रहा हूँ, पर वहीं जब कुछ ऐसी टर्म्स इसके अंदर आ जाती है तो जिनको कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन मुझे भी कई साल लग गए समझने में, और जब भी मैं देखता था एक नई टर्म मेरे सामने आ जाती थी, मैं कहता था अब ये फ्राइड एग का कौन सा रूप है और इसमें फ्राइड एग को मुझे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ और सिंपली आप चाहें इनको टर्म्स के तौर पर ले लें, इनको स्टेजेस के तौर पर ले लें, पर समझ लें। सबसे पहले आ जाता है हमारा सनी साइड अप, ठीक है। सनी साइड अप को हम लोग फ्राइड एग भी बोलते हैं। जनरली हम लोग अपना ऑमलेट पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा तेल डाल के उसको गर्म कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसमें अंडे फोड़ देते हैं, एक पीस हो या दो पीस हो, और जो नीचे वाली सतह होती है, बॉटम वाली सतह होती है, वो हमारी कुक हो जाती है और ऊपर वाली सतह वैसी ही रहती है, और उसके अंदर दो अंडे नज़र आने लग जाते हैं, जिनको कि हम लोग फ्राइड एग या सनी साइड अप बोलते हैं। ये सबसे कॉमन टर्म है या कॉमन डिश है जो कि हर ब्रेकफास्ट में सर्व होती है। इसके साथ साइडिंग्स में आप हैश ब्राउन दे सकते हैं, बेक बीन्स दे सकते हैं, या फिर अपने जो ग्रिल टमाटो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली डिश हो जाती है, सबसे पहली स्टेज हमारी हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फ्राइड एग। इसके बाद जब उसी ऑमलेट को मैं फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप का मतलब इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, दोनों दूसरी तरफ से भी पका देता हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा डबल फ्राइड एग। अगर आपको कोई बोलता है कि उनको डबल फ्राइड एग चाहिए, तो आपको उसको दोनों तरफ से कुक करना है। अब जब उसको आप दोनों तरफ से कुक कर रहे हो तो उसकी तीन स्टेजेस हो सकती हैं, तो आपको ये भी पूछना है कि आपको ओवर इजी चाहिए, ओवर मीडियम चाहिए या ओवर वेल चाहिए, ठीक है। डिपेंड करता है वो गेस्ट के ऊपर। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको ओवर इजी ही देना है। जब आपने अपने अंडे को फ्लिप कर दिया है पैन के अंदर और उसका जो योक है, जो येलो वाला पार्ट है, वो बिल्कुल रनी है, आपने फटाक से फ्लिप करा सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए और उसके बाद उसको सर्व कर देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्राइड एग ओवर इजी आप उसको बोल सकते हैं, फ्राइड एग ओवर इजी, ठीक है। अगर आपको आपको बोला कि भाई मुझे फ्राइड एग ओवर मीडियम चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अपसाइड डाउन करना है और उसको थोड़ा और कुक करना है। आप बोल सकते हैं 15 से 20 सेकंड आप कुक करेंगे, ताकि जो उसका अंदर का येलो पार्ट है, जो पहले बहुत ज़्यादा रनी होता था, अब स्लाइटली रनी हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी स्टेज यहाँ पे आती है, जिसको कि हम लोग ओवर वेल बोलते हैं। आपको कोई बोलेगा भाई मुझे फ्राइड एग ओवर वेल दे दो, तो ओवर वेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडे को सेम पहले फ्राइड एग ही बनेगा, उसके बाद आपको फ्लिप करना है, उसको पलटना है, और उसके बाद उसके जो योक को अच्छी तरीके से कुक कर लेना है, जैसे कि हमारा हार्ड बॉइल्ड एग के अंदर हमारा योक होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दो ही टाइप के ऑमलेट बन रहे हैं, एक फ्राइड एग है, एक डबल फ्राइड एग है। फ्राइड एग को हम लोग सनी साइड अप बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई सन निकल के आ रहा है, सूरज निकल के आ रहा है, ठीक है जी। और जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं डबल फ्राइड एग। अब और उसके अंदर हमारी तीन स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहले हमारी ओवर इजी हो जाती है, ओवर मीडियम हो जाती है और हमारी ओवरवेल हो जाती है। अब यहाँ पे जो सनी साइड एग है उसका यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने बर्गर्स के ऊपर। आपने देखा होगा बर्गर्स के ऊपर हम लोग सनी साइड एग देते हैं, जो कि रनी होता है और बर्गर के ऊपर ही पूरा का पूरा उसका जो येलो वाला पार्ट है फैल जाता है।
सेम इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हमारे नूडल्स के ऊपर। नूडल्स में आप देखोगे पूरा का पूरा येलो येलो फैल जाता है, वो भी खाने में बड़ा मजा आता है। कहीं कहीं पे वही हमारा वहाँ पे ओवर मीडियम भी हम लोग दे रहे होते हैं या फिर ओवर वेल भी हम लोग दे रहे हैं, डिपेंड करता है हमारे उस पर। जब हम लोग सैंडविचेस में इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे फ्राइड एग का, तो हम लोग ओवर वेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सैंडविच के अंदर अच्छे से कुक हो जाना चाहिए अंडा, तभी जाके वो ब्रेड अच्छे से कटेगी और किसी प्रकार की जो रनिंग वाला जो येलो वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग फ्राइड एग का प्रयोग यहाँ पे जो फ्राइड एग का प्रयोग हम लोग अपनी ब्रेकफास्ट में भी कर लेते हैं, साथ साथ हम लोग हैश ब्राउन दे देते हैं, बेक्ड बीन्स दे देते हैं, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो पोटैटो वेजेस भी दे सकते हैं हैश ब्राउन की जगह। तो इस प्रकार से हमारी जो ब्रेकफास्ट के अंदर ये मेन डिश हो जाती है। एक अंडे का बनाए, दो अंडे का बनाए, जनरली देखें तो दो अंडे का ही देते हैं क्योंकि वो पोर्शन हो जाता है। तो अब आपको आज इस क्लास में समझ आ गया है कि भाई फ्राइड एग किस प्रकार से बनते हैं और कौन कौन सी उनकी स्टेजेस होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस है उनकी, सिंपली आपको समझ आ गई होंगी, तो अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये भी किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसने मुझे भेजा था, उसके लिए वीडियो है। बाकी अगर आप वीडियो में अब तक हैं तो मैं नीचे एक दूसरे चैनल का भी लिंक डाल दूंगा जो कि हमारे एक मेटावर्स शेफ़ के नाम से हम लोगों ने चैनल बनाया है, जिसमें कि मेरी वीडियोस हैं, बाकी जो दूसरे शेफ़ हैं जो क्रिएटर्स हैं उनकी भी वीडियोस हैं। आपको उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी कुछ नए प्रकार का कंटेंट हम लोग प्लान करना है कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को, नीचे लिंक मिल जाएगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।